संतोष अम्बेडकर, ये नाम नागपुर के लिए नया नहीं है। कभी नागपुर में इस नाम से लोग कांपते थे, बड़े बड़े बिल्डर इस नाम के आगे झुकते थे, हफ्ता पहुंचाते थे, लाखों रुपए की हफ्ता वसूली। रंगदारी की बदौलत गैंगस्टर संतोष अम्बेडकर को नागपुर का सबसे अमीर गैंगस्टर होने का तमगा भी मिला था। संतोष अम्बेडकर पर भले ही नागपुर का सबसे अमीर और कुख्यात गैंगस्टर होने का तमगा लगा, लेकिन एक वक्त था जब वो चाय बेचा करता था। गैंगस्टर संतोष अम्बेडकर, नागपुर का कुख्यात बदमाश, रेप सहित 13 संगीन केस दर्ज, हफ्ता वसूली और रंगदारी का मास्टर। नागपुर के इतवारी की गलियों में संतोष चाय की दुकान चलाता था। यहाँ धीरे धीरे उसकी साठ गांठ कुछ और अपराधियों से हुई और फिर संतोष अम्बेडकर खुद जुर्म के दलदल में उतर गया। रिपोर्ट के मुताबिक संतोष अम्बेडकर पर मर्डर, रंगदारी और गैंग वॉर समेत कई मामले दर्ज, जिनमें से दो मामले रेप के भी शामिल। कुख्यात होने के साथ ही संतोष अम्बेडकर काफी लग्जरियस लाइफ भी जीता था और पुलिस के लिए काफी लंबे वक्त तक सिरदर्द बना रहा। संतोष अम्बेडकर की भूख इतनी बढ़ गई थी कि उसने एक बार नागपुर के एक बिल्डर को पिस्तौल दिखाकर 65 लाख रुपए का हफ्ता मांगा था, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने डॉन संतोष अम्बेडकर सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बताया जाता है कि एक बार संतोष का एक गुर्गा युवराज शोरूम से चमचमाती कार निकालकर अपने बॉस को दिखाने पहुंचा था, जिस पर संतोष अम्बेडकर ने उसी वक्त लगा दी थी। इतना ही नहीं, उसके नेताओं से भी गहरे रिश्ते थे। नागपुर के भाजपा विधायक विकास कुंभारे की विजय रैली में भी संतोष को देखा गया था। बावजूद इसके 3 बार मकोका के तहत गिरफ्तार किया गया, लेकिन संतोष ने जयराम की दुनिया से करोड़ों की संपत्ति भी अर्जित की। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।